समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मा। खबर राजस्थान से आ रही है। आज कांग्रेस सरकार द्वारा बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र में भाजपा औंधे मुंह गिर गई और गहलोत सरकार ने विधानसभा सत्र में अपना बहुमत साबित कर दिया। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर से भाजपा को मात दे डाली। पिछले डेढ़ महीने से जारी इस सियासी संकट का भी आज पटाक्षेप हो गया है। हालांकि बसपा विधायकों की स्थिति को देखते हुए और सचिन पायलट की घर वापसी के फायदे का मौका कांग्रेस खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए गहलोत सरकार ने भाजपा पर ही नहीं नहले पर दहलाद साबित कर दिया। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक हैं और कांग्रेस का दावा है कि उसके समर्थन में 123 विधायक हैं, जबकि स्पीकर विशेष परिस्थिति में वोट डालते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल बीमार होने की वजह से सदन में नहीं आए। सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पर हुए बहस का सीएम अशोक गहलोत ने जमकर जवाब दिया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में फोन टैपिंग की परंपरा नहीं रही है, सरकार गिराने का पूरा षड्यंत्र था, देश में लोकतंत्र खतरे में है, केवल दो लोग राज कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी के लोग बगुला भक्त बन रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुमत हासिल करने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा और कांग्रेस के एक हरियाणवी नेता ने और राजस्थान के कांग्रेसी विधायक ने समाचार एक्सप्रेस को क्या बताया, वह भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले आप सुनिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जिन्होंने आज विधानसभा में क्या कहा, पहले वह सुनिए। भीलवाड़ा मॉडल हमने नहीं कहा, भीलवाड़ा मॉडल हमने बनाया है। आपकी सरकार केंद्र में उनके स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा और उसी के आधार पर हम लोगों ने काम किया। आपने बहुत कोशिश अभी की कि हमारे कुछ साथी जो हमेशा राजनीतिक पार्टी में होता, आपके वक्त में हुआ, वसुंधरा जी वक्त में भी हुआ, कोई नई बात नहीं। देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी में कई बार डिसेंशन होता है, पर जिस खूबसूरती के साथ में उसका समापन हुआ, उसका कोई धक्का किसी को लगा देश के अंदर, तो अमित शाह को लगा, आप सबको लगा। उत्साह बुखलाए हो और बुखलाट आप भी नजर आ रही थी। आप ऐसे बंदे थे और हो सकता सही भी हो कि आपको माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी पार्टी के और माननीय नेता ऊपर नेता कहाँ चले गए, जानबूझ के गए अनजान में गए पता नहीं, परंतु या तो इन्होंने दोनों ने मिलकर आपसे बातें छिपाई है या केंद्र सरकार के जो बड़े बड़े नेता इस षड्यंत्र में शामिल थे आपके, उन्होंने आपको इन्वॉल्व नहीं किया है, इन दोनों को इन्वॉल्व किया है। यदि आप हो सकता है कि इनोसेंटली बोल रहे हो, इनोसेंटली बोल रहे हो, इसलिए मैं आपको क्या कहूँ, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हो और आपकी यहाँ राजनीति के हिसाब से मालूम है आपको किन किन को इन्वॉल्व करना है, कौन केंद्रीय मंत्री इन्वॉल्व थे आपको मालूम ही है, उनके नाम तो ऑडियो टैप में आई गया और टैप कैसे हो गई। अरे आप तो गृह मंत्री रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हो, लीगल होता है इलीगल होता है वो आप मुझसे पूछ रहे हो। राजस्थान में कभी परंपरा रही नहीं है इलीगल विधायकों के एमपी के टैप करने की, और ना यह हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। आपने ऐसी फिजा बांधी, अरे भाई ए, आपने ऐसी फिजा बांधी कि जैसे वो वापस लड़ाई शुरू कैसे हुई, यहाँ पर आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। आपने दो बार हमारे डिप्टी सीएम साहब जो रहे हैं मेरे साथ में, कोट करना पड़ा आपको बड़ी खूबसूरती के साथ, आज तो आपकी अदाएं बड़ी अजीब थी, क्या अदा से बोले थे आप कि कैसे वापस 4 महीने बाद 6 महीने बाद में पुनः कैसे हम षड्यंत्र करें पहले की तरह। वो षड्यंत्र आप लोगों का था, आपकी पार्टी का था, आपके हाईकमान का था, मुझसे पूछते हो
पूरा देश गवाह है क्या किया आपकी पार्टी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। पहले ही विधायक थे कांग्रेस के, 40 चुरा लिए आप लोगों ने। क्या किया आपने कर्नाटक के अंदर, क्या किया मध्य प्रदेश के अंदर, क्या किया गोवा के अंदर, क्या किया मणिपुर के अंदर। अरे पूरा नंगा नाच हो रहा देश के अंदर, डेमोक्रेसी खतरे में है, उसकी चिंता नहीं आपको। अरे आप जैसा वरिष्ठ नेता है, आपको तो कम से कम चिंता होनी चाहिए देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, उसको स्वीकार करें हम सब लोग मिलकर के, बचाएं उसको। जिस प्रकार देश में राज चल रहा है, दो लोग राज कर रहे हैं, किसी पूछ हो रही है क्या? अरे अंदर अंदर धमड़े दे रहे हो आप लोग, धमड़े दे रहे हो आप लोग। आपकी पार्टी ने तो पूरी जाके दिल्ली के अंदर मेंबर पार्लियामेंट बने बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी क्या स्थिति हो रही है? पूछ रहा उनको किस रूप में देश में राजनीति हो रही है, किस रूप में फैसले हो रहे हैं, कोई सोच सकता है? डेमोक्रेसी यहाँ पर है, चुनी सरकारों को टोपड़ कर दो, ये डेमोक्रेसी है। षडयंत्र करके आपने सरकार को बदलने का पूरा प्रयास किया, और ऐसा बुगला भगत भर रहा आप तो खुद ही, जिसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। अरे 100 चूहे खा के बिल्ली निकली हज को, वो हालात देश में बना दिया आपकी पार्टी ने, परवाह नहीं करी वो पार्टी आपकी। हम सब चिंतित थे, मैं दिल से चिंतित हूँ। मैं 69 साल का हो गया हूँ, 50 साल राजनीति कर रहा हूँ, 50 साल से। मैंने भी 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, 3 बार मैं एआईसीसी के महामंत्री रहा हूँ, और 30 बार आप सबके सहयोग से मैं मुख्यमंत्री हूँ। मैं आज चिंतित हूँ, और मैं नहीं हूँ, आप मेरे कई लोग चिंतित होंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टी बोलते नहीं है। मैंने पत्र लिख दिया, उतना बेहतर हो गया। अगर मैं मेरे विधायकगणों को, मैं इस सदन का नेता हूँ, आपने मुझे चुना है, अगर मैं एक डी ओ डर लिख दूँ इनको, कुछ जूरिए को मेरी बात को मान के चले, आपकी अंतरात्मा के वो काम करें आप लोग। कैलाश मेघवाल जी ने स्टेटमेंट दिया, पूरे राजस्थान के अंदर उनका वेलकम हुआ, क्यों हुआ? वो सच्चाई थी। आपने सुना कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर किस तरह के आरोप लगाए। अब हम आपको ले चलते हैं दो कांग्रेस नेताओं के पास। समाचार एक्सप्रेस के चीफ एडिटर हरीश चावला ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर और राजस्थान के जयपुर के विधायक रफीक खान से जब बात की, तो उन्होंने भाजपा पर क्या आरोप लगाए, पहले आप यह भी सुनिए। हेलो हेलो, रफीक खान जी बोल रहे हैं? जी, मैं हरीश चावला बोल रहा हूँ, चीफ एडिटर समाचार एक्सप्रेस का नाम से। रफीक जी, आज जो विश्वास मत हासिल किया कांग्रेस में, इसमें आपका जो संगठन मजबूती से हुआ, इससे भाजपा के मुंह को खानी पड़ी, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र की जीत हुई है जी। एक्चुअली इन्होंने ये तय कर रखा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करेंगे जी, और पैसे के बल पे राजनीति करेंगे, चाहे फसल किसी की भी हो, काटने ही आ जाएंगे जी। ये किसी भी पार्टी से एमएलए जीता, इनको तो पैसे देके खरीदना है, जैसे इन्होंने गुजरात में किया, जैसे मध्य प्रदेश में किया जी, जैसे मणिपुर में किया, जैसे गोवा में किया, जैसे कर्नाटक में किया जी। तो ये सोच करके आए थे कि यहाँ भी कर लेंगे जी, लेकिन यहाँ ये भूलेंगे, यहाँ एक और जादूगर है, उसका नाम अशोक गहलोत है जी। तो वो वहाँ यहाँ इनके मंसूबे कामयाब नहीं है, और हमारे कांग्रेस के एमएलए एकजुट रहे और पूरी ताकत के साथ में जी, पूरे एक मंच पे स्टैंड रहे 1 महीने तक, इंक्लूडिंग जो बुजुर्ग विधायक थे वो भी, और जो महिला विधायक थी वो भी, सब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा विधायक सब एक साथ एकजुट होकर रहे, और उसका नतीजा ये रहा कि आज हमने 123 के मुकाबले 73 से विश्वास मत हासिल किया जी। एक रफीक खान जी, और इंपोर्टेंट बड़ा सवाल है, जैसे कि पायलट साहब आ गए थे सीएम साहब गहलोत के पास, तो फिर ये क्या सोच के बीजेपी ने विश्वास मत बुलाया?
बीजेपी ने नहीं बुलाया, ये विश्वास मत हमारी तरफ से था, अविश्वास मत नहीं था, विश्वास मत था, ये बार 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 अविश्वास मत की बात कर रहे थे जी। तो वो हमने खुद ने आगे चल के कहा कि हम ही टैक्स जमा कराने हैं जी, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बार एस्टेब्लिशमेंट था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम पूरी तरह से कामयाब है। अब कांग्रेस का बीजेपी को क्या जवाब है सर? कांग्रेस को का बीजेपी को ये जवाब है कि जनता धीरे धीरे समझ रही है, आम आदमी को समझ में आ रही है कि किस तरीके से आप हाउस ट्रेडिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आप सही चुनाव कर रहे हैं जी। और आगे आने वाले चुनाव में जनता इनको करारा जवाब देगी और इनको इस बात का खामियाजा आगे सामने जी 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 आ जाओ हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ सर, बात खत्म कर रहे थे आप? हाँ मैं कह रहा हूँ इसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है रफीक, जो रफीक जी आपने समाचार एक्सप्रेस से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज राजस्थान सरकार ने विधानसभा में पूर्ण विश्वास मत हासिल कर लिया है और हम इस समय मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर जी के निवास पर। इनसे पूछेंगे कि आखिर कांग्रेस कैसे कामयाबी, और सचिन पायलट और गहलोत साहब का मिलना क्या भाजपा के लिए घातक साबित हुआ। तो स्वागत है समाचार एक्सप्रेस वीरेंद्र राठौर जी। ये आज कांग्रेस ने राजस्थान में आज पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है और विधानसभा भी मेरे ख्याल शायद 21 तक स्थगित कर दिए, तो क्या कामयाबी का क्या राज है? देखिए बहुमत तो पहले भी कांग्रेस का राजस्थान के अंदर पूरा था। हाँ वो ठीक है, आप मैं इस बात को मानता हूँ कि कुछ मतभेद हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट जी और माननीय अशोक गहलोत जी के अंदर थे, और वो स्वाभाविक भी है, बड़ा परिवार जब होता है तो कुछ ना कुछ मतभेद होते हैं। पर अच्छी बात यह है कि सभी मतभेद भुलाने के लिए सचिन पायलट जी और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सब के नेता युवाओं के लिए एक युवाओं के मार्गदर्शक आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ बड़ी गंभीर और लंबी चर्चा सचिन पायलट जी की रही। उन्होंने भी अपनी बात को पूर्ण रूप से माननीय राहुल जी के आगे रखा, जिस बात को परखा गया, समझा गया और कमिटमेंट के साथ पार्टी को और सरकार को मजबूती प्रदान करने के लिए राजस्थान में माननीय सचिन पायलट जी ने राहुल जी को आश्वस्त भी किया। मुलाकात राठौर जी कब हुई होगी राहुल गांधी जी की और सचिन पायलट? कुछ दिन पहले ये मुलाकात हुई है दिल्ली में, और उसके पश्चात, उस मुलाकात के पश्चात हमारे कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। 3 सदस्य कमेटी हर एक पहलू के ऊपर राजस्थान के अंदर जाकर के देखेगी और जो उचित कदम आने वाले दिनों में उठाने होंगे उनके ऊपर काम किया जाएगा। कमेटी की घोषणा अभी नहीं की गई है, वो जैसे ही कमेटी की घोषणा माननीय अध्यक्षा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी करेंगी तो वो जानकारी आप लोगों को तक पहुँचाई जाएगी। सर कांग्रेस की सरकार को गिराने के पीछे किसकी मंशा, किसकी भूमिका नज़र आ रही है? क्योंकि आज बीजेपी के एक विधायक ने कहा है कि कसूर इनका है, लड़ाई इनके घर की और दोष हम पर मढ़ा जाए। देखिए वो तो रटी रटाई बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। अगर वो कामयाब हो जाते हैं अपने 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 ईवल डिज़ाइंस में तो वो कुछ और बात करते हैं, जब वो कामयाब नहीं हो पाते तो वो कुछ और बात करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है आज के दिन में इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेशों में और देश के अंदर अपने आचरण को दुरुस्त करे, इस प्रकार का आचरण बनाए जिससे प्रजातंत्र की जड़ें और मजबूत हों। जिस प्रकार का आचरण भारतीय जनता पार्टी अपनाए हुए है उससे कहीं ना कहीं देश के अंदर डेमोक्रेसी कमज़ोर होती जा रही है, खतरे में पड़ती जा रही है। तो समय रहते भारतीय जनता पार्टी को इस ओर सोचना चाहिए। राठौर साहब, बड़ा सवाल ये है कि जो BSP के जो 6 विधायक थे उस पर जो बात उभर कर आई, इसके बावजूद जब 2 दिन पहले ही पता लग गया कि सचिन पायलट जो खेमा है ये वहाँ के मुख्यमंत्री गहलोत साहब के पास आ गया,
तो फिर ये जो भाजपा ने जो अविश्वास जो प्रस्ताव का जो मुद्दा उठाया विधानसभा में भी विश्वास पत्र के लिए बुलाया जाए, ये फिर ये भाजपा की क्या मतलब किस लिए बुलाना चाहती थी? क्या वो इस फिराक में थे कि शायद सचिन पायलट जी फिर से गहलोत साहब के खिलाफ? देखिए, भाजपा ने शायद प्रयास किया कि कांग्रेस के अंदर फूट डाली जा सके, परंतु सचिन पायलट जी एक युवा नेता है, बहुत सुलझे हुए नेता हैं। सबसे बात बड़ी बात यह कि कैडर के बहुत कमिटेड मैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं और बहुत लंबा उनका कैरियर मैं समझता हूँ देश की राजनीति के अंदर आने वाले समय में आने वाला है। तो भाजपा हर प्रकार का अपना प्रयास, हर प्रकार का षड्यंत्र उन्होंने करने का प्रयास किया, पर मुझे लगता है कि कमिटेड कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से अपने गंदे इरादों के अंदर कामयाब नहीं हो सकती। ये तमाम चीज़ें जो सत्र बुलाने की बात थी और विश्वास मत की बात थी, वो भाजपा के षड्यंत्र का ही एक हिस्सा था। राठौर साहब, फिलहाल तो राजस्थान का संकट टल गया, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में भाजपा फिर से यह मुद्दा या वो भुनाने की कोशिश करे या आपके विधायकों पे सेंध लगाने की कोशिश की करे। लेकिन इससे पहले आपने मेरे को ये बताया कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया सोनिया जी के नेतृत्व में, तो यह कमेटी जो राजस्थान में अपना वर्किंग करेगी, अभी आपने बताया उसके नाम नहीं आए, तो ये मेन फोकस कमेटी का रहेगा क्या राजस्थान? देखिए, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई, जैसे मैंने कहा आपको कि जब सचिन जी राहुल जी से मिले कुछ मुद्दों के ऊपर उनकी राय भिन्न थी, और जब परिवार के अंदर कुछ भिन्न राय होती है तो परिवार के मुखिया निश्चित रूप से उस बात को सुनते हैं, समझने का काम करते हैं, और वो बात को गंभीरता से सुना भी गया, लिया भी गया, और अब वो कमेटी किन किन मुद्दों के ऊपर और अभी देखने की आवश्यकता है वो विस्तार पूर्वक तरीके से अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और श्रीमती सोनिया गांधी फिर रिपोर्ट आने के बाद उस पर अमल करेंगी। एक बड़ा सवाल है राठौर जी, सचिन पायलट जी की घर वापसी होगी, घर में ही थे, मतलब वापसी नहीं कह सकते कि ये कह सकते हैं जी जो मुख्यमंत्री थे गहलोत, उनके साथ हाथ मिला के अपने संगठन को फिर से राजस्थान में मजबूत कर दिया। कांग्रेस फिलहाल तो इस समय मजबूत स्थिति में और सरकार वहाँ बचाने में कामयाब रही। मैं राठौर जी एक अहम बड़ा सवाल ये पूछने जा रहा हूँ कि सचिन पायलट जी पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, युवा होने के नाते उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, इसके बाद वो डिप्टी सीएम भी थे, क्या इन दोनों पदों पे भी उनकी सम्मानजनक वापसी होगी? देखिए, ये तो मेरे क्षेत्राधिकार का प्रश्न नहीं है, ये फैसले तो पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाते हैं, और इन तमाम मुद्दों पर जब सचिन जी मिले होंगे राहुल जी से तो वो तमाम चर्चाएँ भी हुई होंगी, तो मैं इस विषय पर कोई बात कहूँ तो वो मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता। आप कांग्रेस संगठन में आप बड़े जिम्मेदारी के पद पे हैं, खास तौर पर आपने राहुल गांधी जी की टीम में एक बहुत बड़े काम किए हैं, बहुत राज्यों की आपने बड़े बड़े मामले देखे हैं, यहाँ तक कि आपने उत्तर प्रदेश में एक बड़े धरने प्रदर्शन में हिस्सा लिया जिसमें राहुल गांधी जी ने भी हिस्सा लिया, यानी कि आप उनके साथ लगातार रहे, तो इसमें अब आपको क्या लगता है कि भाजपा को अब इसमें क्या समझना चाहिए और राहुल गांधी जी अब इस मामले में जिस तरह की बिखराव देखने को मिला तो इस तरह के संकेत संगठन को बचाने के लिए मजबूत करने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी तो लगातार जब से राहुल जी देश की सक्रिय राजनीति में आए हैं कांग्रेस के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए राहुल जी ने लगातार कदम उठाए हैं, खास तौर पर देश के नौजवानों को मुख्य धारा में कैसे लेकर के आए इस और राहुल जी का बड़ा प्रयास रहा है, और सैकड़ों हजारों नौजवानों को राजनीति की मुख्य धारा में लेकर के राहुल गांधी जी पिछले 10 वर्षों में आए हैं, और मुझे लगता है कि पार्टी का संगठन हमारा मजबूत है, और युवा होने के नाते मैं तो ये चाहूँगा कि राहुल जी पुनः पार्टी के अध्यक्ष पद को संभालें, और तो देश के नौजवानों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी होगा और ज़्यादा बल जो है वो पार्टी के संगठन को मिलेगा। भाजपा को क्या कहें? देखिए, वो उनका पर्सनल मामला है, भाजपा किस प्रकार से उनका आचरण देश के अंदर रहता है ये इस पर टिप्पणी करना मुझे लगता है मुझे शोभा नहीं देता। सेल्फ एनालिसिस की ज़रूर भाजपा को ज़रूरत है, मैं समझता हूँ अपने देश के सामने उनका आचरण कैसा हो रहा है इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता आज भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा में उपचुनाव है, कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी रहेगी जीत के लिए? एक तरफा चुनाव कांग्रेस जीतने जा रही है, आज किसान मजदूर व्यापारी और किसान
दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को बड़ौदा उपचुनाव के अंदर ना केवल बुरी तरीके से हराने का काम करेगा, परंतु आप देखना कि बड़ौदा उपचुनाव का नतीजा जैसे ही आएगा, भाजपा की हरियाणा से उल्टी गिनती की शुरुआत बड़ौदा उपचुनाव के बाद हो जाएगी। बिहार के प्रभारी हैं, वहाँ भी चुनाव आने वाले हैं, और सीएम नीतीश कुमार के लिए कैसे रहेंगे और कांग्रेस के लिए? देखिए, जब से नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर के एक पूर्ण बहुमत की सरकार को बदलने का काम किया है, बिहार की जनता ने उनको पूर्ण रूप से नकार दिया है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, आज बाढ़ग्रस्त बिहार है, प्रशासन की पूरी अनदेखी बिहार के अंदर चल रही है, लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है। एक विकल्प के रूप में महागठबंधन बिहार में निश्चित रूप से आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में एक मजबूत विकल्प बन कर के आएगा। मेरा बिहार का दौरा जल्दी प्रस्तावित है, तो बिहार दौरे के बाद आपके साथ मिलेंगे और दोबारा राजनीतिक जानकारियों को शेयर करेंगे। तो ये थे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर जी, बिहार के प्रभारी भी हैं और वहाँ भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल उन्होंने एक ही बात कही है कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार ने बहुमत हासिल किया है, तो सीधा सा बात है कि भाजपा को जवाब मिल गया है और देश की जनता भाजपा को अब जवाब देगी, और लोगों को ये पता लग गया है कि भाजपा किस तरह के राजनीतिक हथकंडे अपनाती आई है और किस तरह से कैप्चरिंग करती आई है। हरियाणा में भी उपचुनाव को लेकर उन्होंने खास सीधा सीधा कह दिया है कि हरियाणा के सोनीपत में के उपचुनाव में एक तरफा जीत कांग्रेस की ही निश्चित होगी। कैमरामैन सनी चौधरी के साथ हरीश चावला, समाचार एक्सप्रेस, करनाल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.